जो पसंद आए वो उससे निकाह करो। लेकिन आज अगर कोनो लड़का कहे कि तनी दिखाए दो तब हम हाँ करवे तो कहिए यू गुंडा हो गो, ये लोफड़ है। अल्लाह फरमाता है पसंद जो आए उससे शादी करो, मुसना व सुलासा व रुबा, दो से करो, तीन से करो, चार से करो, एक करो, दो करो, तीन करो, चार करो। लेकिन आगे अल्लाह फरमाता फैन खिफ तुम अल्लाह ता दे लो, लेकिन अगर तुम्हें डर है कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, एक के बाद दो पर कदम रखा और इंसाफ ना कर पाओ, इंसाफ करने का डर है कि इंसाफ नहीं कर पाएंगे, तो अल्लाह फरमाता है फैन खिफ तुम अल्लाह ता दे लो फवाहदा, लेकिन अगर तुम्हें डर है कि दो के बाद इंसाफ नहीं कर पाएंगे तो एक ही करो। इंसाफ करना जरूरी है। आज बहुत शान से लोग दो तीन से कर लेते। हमारे एक दोस्त है मौलाना साहब, उनके तीन मेहर हुआ। एक दिन घर में से आए मदरसा तो उनके कुर्ता उर्ता सब फाट, अभी मेहर हम है जैसे भैंसा हम पक। हम लोग कहें कहा वो हजरत कहा बात है, अरे न पूछो, नेकी अपनी तरफ खींच रही थी, बुरंग की अपनी तरफ खींच रही थी, तसर की अपनी तरफ खींच रही थी, हालत खराब हो गई। करना बहादुरी नहीं है, करके इंसाफ करना बहादुरी। हदीस पाक में आया है कि जो दुनिया में अपने निकाह में दो औरत जमा करे और दोनों में इंसाफ नहीं करेगा तो कयामत के दिन उसका आधा बदन लुंज होगा, आधा बदन झुका होगा एक तरफ जिसमें ताकत न होगी। सारे लोग देखेंगे, महशर के लोग समझेंगे ये वो बदनसीब है जिसने दुनिया में अपने निकाय में दो औरतों को जमा किया और इंसाफ नहीं कर पाया। इसलिए जो औरत पसंद आए उससे निकाह करो, लेकिन क्या पसंद किया जाए। हुज़ूर फरमाते हैं नबी हुरैरा ता काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुनकिहुल मरातु लियरबाति अशिया, कि चार चीजों को देख कर औरतों से शादी करते हैं, शादी की जाती है औरत से चार चीजों की बुनियाद पर। नंबर एक पर सरकार फरमाते लीमा लिया, औरत का माल देख करके लोग शादी कर लेते, ईमानदार है जहेज ज्यादा लेके आएगी। लेकिन जहेज के चक्कर में शादी करने वालों हजरत अली शेर खुदा का फरमान है। हजरत अली कहते हैं कि जो किसी लड़की के दौलत को देख कर रिश्ता करेगा अल्लाह ताला उसको मुहताजी के दिन जरूर अता करेगा। एक दौर ऐसा आएगा उसकी जिंदगी में कि वो मुहताज होगा, मुफलिस होगा, जिसने लड़की की दौलत को देख करके रिश्ता किया होगा, सिर्फ देख करके रिश्ता किया मुहताज होगा। और जो जहेज मांगते हैं अल्लाह उन्हें मुहताज भी बनाएगा, अल्लाह उन्हें रुसवा भी बनेगा। इसलिए न दौलत देख के शादी की जाए, न दौलत का मुतालबा किया जाए। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वाली जमानिया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो औरत के हुस्न को देख करके शादी कर लेते, हुस्न और जमाल देखते तो शादी कर लेते। वली हस्बिहा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो औरत का खानदान देख करके रिश्ता कर लेते कि खानदान बड़ा ऊंचा है, बड़ा दबदबा वाला खानदान है, बड़े मरकहे लोग हैं खानदान में, कर लेंगे तो हमारा सिक्का चलेगा। कुछ ऐसे भी हैं। और चौथे नंबर पर सरकार फरमाते वाली दीनिया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो औरत की दीनदारी को देख कर निकाह कर लेते। चार तरीका मेरे पैगंबर ने फरमाया, उसके बाद फरमाते हैं मेरे सहाबा चार चीजों में से तुमको क्या देखना है। फरमाते फजफुर बिजाति दीन, तो दीन वाले को तुम तरजीह देना,
दीनदार औरत को देख करके रिश्ता कर लेना, ना माल देखना, ना जमाल देखना, ना खानदान देखना, बल्कि दीनदारी देख के रिश्ता कर लेना, तो हुजूर का वादा है और अल्लाह का वादा है कुरान में, इयकुनु फुकरा, अगर जो वो फकीर हो गरीब हो लेकिन दीनदार हो रिश्ता कर लो, युग्निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, तो अल्लाह अपने फजल से उन्हें माला माल कर देगा। इसलिए रिश्ते में देखो, दीनदारी देखो, वरना दीनदारी नहीं देखोगे तो जिंदगी भर परेशान हो। इसलिए कि औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है। लिखा है किताब में कि 5 तबलीग